मम्मी और तनिष्का। सो मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ और मैंने आप सबको दिल से बहुत ज़्यादा मिस किया। आई डोंट नो कि आपने मुझे मिस किया या नहीं किया, मैंने आप सबको बहुत मिस किया। और मेरे अचानक से सोशल मीडिया पे से गायब होने का एक वैलिड रीज़न था, वो ये था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और फाइनली आज मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। पता है सर पे एक बोझ सा होता है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो आज ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए और मैं आज ही वापस आ गई। मैं ये ऐसे जो तैयार हुई हूँ, ये मैं तैयार हुई थी कि जो मैं दिल्ली जाती रहती हूँ DM स्टार्स इंडिया ऑडिशन देने के लिए, तो वहाँ से मेरे लिए एक स्क्रिप्ट आई थी। तो ये लुक मैंने उसके लिए, मैं इस लुक में आई थी और फिर मैंने इसके बाद एक दो रील्स बनाई और फिर मैं आ गई अपने ब्लॉग पे। ये सो आई एम बैक और इसके बाद बैक टू बैक ब्लॉग्स आएंगे। बट हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि गाइज प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। मतलब मैं एक डेढ़ महीने के लिए हट गई थी बिल्कुल व्लॉग्स से, तो बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं किया मेरे चैनल ने, या फिर इतनी सारी वीडियोस आने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चैनल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए। ओके चलो मैं टाइम देखा। तो ये हो रहा है टाइम, 8:30 होने वाले हैं नाइट के और ये 5-10 मिनट्स आ गए हमारा क्लॉक। एंड टुडे इज फ्राइडे 3rd March 2023 और फोन में भी बैटरी 7% ही है। मेरा आज का लुक बहुत अच्छा लग रहा है ना। सो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरे इंस्टा पे भी कुछ खास फॉलोवर है ही नहीं, यूट्यूब पे भी मेरे सब्सक्राइबर है ही नहीं और ना मेरे व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, तो मैं गायब हो गई हूँ। अब मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी ही नहीं, अब मैंने इस डोर से एग्जिट कर दिया है, सोशल मीडिया के डोर से। सो ना 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 ना, कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर गलत फहमी मत पालो। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं मरते दम तक सोशल मीडिया पर रहूँगी। वैसे मरने की बात मैं अभी क्यों करूँ, लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो जा चुकी हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे इसीलिए गायब हुई थी मैं, वो भी मैं प्रिपरेशन तो कर रही थी पर घंटा इतना कुछ मेरे भेजे में आया नहीं है। तो मैं गई तो थी पढ़ने के लिए, काफी प्रिपरेशन की मैंने, पर जितना आया जितना हुआ मैंने किया। लोगों को लग रहा होगा मैं जा चुकी हूँ, नहीं मैं वापस आ चुकी हूँ। आई एम बैक और अब बैक टू बैक ब्लॉग आएंगे। एक्टिंग के लिए जो मैं जाती हूँ दिल्ली, ऑडिशन बोलो ना, ऑडिशन के लिए जो मैं जाती हूँ, मुझे क्यों कंफ्यूज करते हो भाई। तो मैं डेली व्लॉग्स भी और जो फैमिली व्लॉग है वो इसमें इंक्लूड करूंगी अगर आप चाहोगे तो। व्लॉग्स में बोला है आपसे कि आप मुझे कमेंट कर दिया करो, पर कोई कमेंट नहीं करता, मेरी बात को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। ऐसी तो मेरी फ्रेंड्स है, वो सीरियस नहीं लेते, आप भी नहीं लेते, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। आंसू तो मेरे पास जो स्क्रिप्ट आई थी DM स्टार्स इंडिया से, वो आई थी वेनसडे को, और इतना डिले सिर्फ और सिर्फ हो गया क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। जबकि हर कास्टिंग डायरेक्टर ये बोलता है कि जब भी आपको स्क्रिप्ट मिलती है उस पे तुरंत एक्शन लीजिए। स्पेशली दीपक सर तो बोलते ही हैं, DM स्टार्स के दीपक सर, कि ये लोग तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करते और आप एक्टर हो, अब डालिए लगा लो, अब भी शाम में इवनिंग में पूरा दिन चला गया, अब डालिए। पता ही है कि आज मजबूरी थी भाई, मेरी मजबूरी थी, मेरे पेपर चल रहे हैं, पर आज खत्म है तो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, बैटरी नहीं है फोन में, ये ब्लॉग एडिट करते हैं फटाफट से डालते हैं। स्वीट ड्रीम, आपने मुझे मिस किया ना? नहीं किया, पागल सी।